सर गॉट द एग्जाम रिजल्ट्स अच्छा तो क्या बना रिजल्ट्स का? 80 80 आउट ऑफ 100। या सो ओके गुड। क्लास कितने पे टॉप हुआ था? आई थिंक फातिमा मोहसिन उसका 97 आया था। मैं बहुत डर रही थी क्योंकि क्लास में टीचर ने कहा था कि कोई फेल भी हुआ था। तो अगर कोई फेल हुआ तो फिर क्या होगा? क्या कहा था? मुझे लगा कि मैं थी, मैंने फेल कर दिया। और अच्छा फिर जब रिजल्ट आए मैं इतनी डरी हुई थी, लेकिन जब अच्छा मुझे पता चला तो फिर मैं बहुत खुश हुई। वैसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि कितने मार्क्स आए? मैं एटलीस्ट सी एक्सपेक्ट कर रही थी। सी। और अभी क्या बना? 80 पे कितना हो? कौन सा ग्रेड बना आपका? ए ए ग्रेड। ए गुड। अच्छा लास्ट टाइम आपका क्या रिजल्ट आया था? लास्ट टाइम सी आया था। सी आया था। ओके गुड। सो इट मीन्स के आपने इम्प्रूवमेंट कर लिए। ओके इनशाल्लाह इन नेक्स्ट एग्जाम में आपने टॉप करने हैं। ओके क्लास को आई विल ट्राई। या दिस विल बी योर टारगेट। ओके जितना बड़ा टारगेट आप रखोगी उतना ज़्यादा आप मेहनत करोगी। ओके और उतना ही आपके अच्छे ग्रेड्स आएंगे और उतनी ज़्यादा खुशी होगी आपको। ओके ओके या आपने अपने आप को टॉप पे रखना है कि दैट यू विल टॉप दिस क्लास। ओके अच्छा बाकी एग्जाम्स के क्या बने? लाइक व्हाट अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स? दे वर गुड। ओके साइंस में क्या बना? 90 90। गुड। मे बी आई विल कम आफ्टर दिस ईद टू लाहौर। सो शायद मैं अपने या शायद मैं सारे स्टूडेंट्स पे वो एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और टीचर भी हैं तो उन वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप आ जाओ विज़िट लगा लो एक। तो शायद प्लान बन जाए आफ्टर दिस ईद। सो अगर मैं आ गया तो आई विल विज़िट टू योर होम। ओके ओके या फिज़िकली अभी तक तो ऑनलाइन सब कुछ जा रहे हैं ना। जी यस ओके। क्वेश्चन सिक्स से नहीं क्वेश्चन सिक्स हमने लास्ट टाइम किया था। क्वेश्चन सेवन भी किया था। क्वेश्चन एट भी किया था। क्वेश्चन नाइन से प्रोसीड करने आज। ओके क्वेश्चन नंबर नाइन। गिवन दैट ए ओ बी एंड सी ओ डी आर स्ट्रेट लाइंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। सो ये भी इजी है मुश्किल नहीं है। ओके वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी तक हम कर रहे थे। सो व्हाट डू यू थिंक क्या करना है यहाँ पे पार्ट में? 117 प्लस 8 प्लस 30 प्लस 40 इक्वल्स 360। ओके सो यू सेड दैट 117 प्लस 40 प्लस 30 प्लस ए विल बी इक्वल टू 180 360। नो इसमें एक माइनर वो कंसेप्ट है। यू विल नीड 360 माइनस 117 नो एक्चुअली थ्री सिक्स राइट। नहीं नो 360 तो आपका ये बन रहा है। दिस इज़ योर 360। ओके दिस इज़ दिस कंप्लीट सर्कल इज़ योर 360। सो यहाँ से स्टार्ट ले लो। सो 117 प्लस दिस अननोन जो हमें हमने नहीं लिया यहाँ पे हमने ये एंगल नहीं लिया प्लस ए नॉट ये हमने ले लिया है प्लस 30 ये भी हो गया प्लस 40 ये भी हो गया और ये भी हमने नहीं लिया। सो हाउ यू विल सेट दैट दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्री? दिस विल नॉट बी इक्वल टू 360 डिग्री। यूज़ द कंसेप्ट्स ऑफ वर्टिकल वर्टिकल एंगल्स। 117 माइनस 40 अच्छा इसका वर्टिकल एंगल क्या होगा 117 का? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वर्टिकल एंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू ईच अदर। सो दिस 117 विल बी इक्वल टू
इसका ये इस एंगल का एक कॉर्नर यहाँ पे टच हो रहे हैं, ओके, इसका एक कॉर्नर यहाँ पे टच हो रहे हैं, सो इसी लाइन पे आपके ये एक एंगल आ रहे हैं, ओके, और इसका दूसरा कॉर्नर यहाँ पे टच हो रहा है तो इसका ये आ रहा है, तो इट मीन्स कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू 117, दीज टू एंगल्स आर द अल्टरनेट एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू द समेशन ऑफ ए प्लस 30 प्लस 40, सो 117 इज इक्वल टू ए प्लस 30 प्लस 40, सो 117 माइनस 70 विल बी इक्वल टू ए, सो दिस विल बी इक्वल टू 47, that's will be equal to A. Got it? Okay, yeah, so you will use the vertical your A. Voice is cracking a lot. Ji? Achha, next question, question number 9, part B. Yahan pe kya karna hai? Ye to kaafi easy hai. Okay, kaun sa concepts use karne hai? ओके, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं यहाँ पे? 7B एंड C एंड द अननोन एंगल एंड 3B. ओके, सो योर 7B विल बी इक्वल टू C, सो इट मींस दैट वी विल नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B. तो B की वैल्यू क्या, किस तरह फाइंड करना है? व्हाट डू यू थिंक? यू विल आल्सो नीड टू यूज द ओल्ड कॉन्सेप्ट्स. ओल्ड कॉन्सेप्ट वही 360 और 180 वाले कॉन्सेप्ट यूज कर लो. 7b प्लस c इक्वल्स 360. नो, 360 में तो ये भी आएगा फिर, बट दिस एंगल इज नॉट गिवन टू अस, सो वो काम नहीं करे. इफ यू टेक दिस स्ट्रेट लाइन, सो योर 7b प्लस 3b विल बी इक्वल टू 180. So this will be equal to 10b. That will be equal to 180. So your b will be equal to 80. Got it? Yes. Now you will need to find the c value. So your c value will be equal to 7b and b value is 80. So 7 times 80. So your C angle is 126. अच्छा, इन्होंने क्या किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली अननोन. तो अननोन B है यहाँ पे और यहाँ पे C है, सो आप यहाँ पे फाइंड कर लो. सही है, 126 आ जाएगा, आपका 18 आ जाएगा. अच्छा, दिस टू क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 9A and 9B will be your homework. Okay, next question, that is the intermediate level. Yeah, abhi basics level mein hum chal rahe the. So next question is X naught, Y naught and Z naught are the three angles lying on a straight line. If Y is equal to X naught plus Z naught, find the value of Y. So ye usi tarah hai jis tarah humne लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, इससे रिलेटेड था. सो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, इसी बोर्ड पे सॉल्व कर लो रानिया, इफ यू आर यूजिंग आईपैड. कैन आई कैंसिल द टू आउट? वेट, एक्स. अच्छा, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ You need to find the value of y. So y को आपने substitute नहीं करना, because you need to find the value of y. आप इसमें x को substitute कर लो, which will be equal to y naught minus z हो जाएगा. यहाँ पे देख लो, आपने कर लिए वहाँ पे. If you substitute the value of y, तो फिर तो आपका y अल्फाबेट नहीं होगा आपके पास. I thought if we got x plus z equals whatever, then I thought that would also be equal to y.
नहीं, उन्होंने ऊपर क्या कहा है स्टेटमेंट में, उन्होंने यही कहा है कि एक्स नॉट, वाई नॉट एंड जेड नॉट आर द थ्री एंगल्स लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इफ दिस इज लाइक एक्स नॉट एंड वाई नॉट आर द टू एंगल्स लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो फिर आप इस तरह लेंगे एक्स नॉट प्लस वाई नॉट विल बी गो टू 180 डिग्री, बट थ्री एंगल्स हैं तो आपने यू विल ऑलवेज टेक इट इक्वल टू 180 डिग्री। सो ऊपर एक्स लिख लो, दिस विल बी एक्स, अब नीचे सब्स्टिट्यूट कर लो, नीचे y की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट नहीं करनी, x और z की वैल्यू को देख लो अगर सब्स्टिट्यूट हो रहे तो। सो योर x नॉट वैल्यू इज इक्वल टू y प्लस z, आपने ये वैल्यू कहां से उठाई है? x प्लस z, या सो योर y इज इक्वल टू x प्लस z, योर x विल बी इक्वल टू y माइनस z। Yeah. So you need to put this value over here. Now solve this. Yes, 2y will be equal to good. Your y value will be equal to 90 degree. Okay. Part B, solve this question. 90 degrees. सॉल्व कर लो प्रॉपरली। Won't it be 90? Because why is even 90? And it says that they all are equal. No, three angles lying on a straight line. So your x plus y plus z, that will be equal to 180. So your x is equal to y is equal to z, but we need to find the value of z. तो z को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, x को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लो, इसकी जगह मैं z लिख लेता हूँ, y को भी डिस्टर्ब कर लो, इसकी जगह मैं z लिख लेता हूँ, एंड दिस विल बी z. सो 3z विल बी इक्वल टू 180, सो योर z विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसी तरह प्रॉपरली आपने सॉल्व करना है, डायरेक्ट आंसर आपने नहीं देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, दिस विल बी योर होमवर्क 10B। इन द फिगर डी ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन इफ बी ओ सी इज ट्वाइस ऑफ ए ओ बी, सी ओ डी इज फोर टाइम्स ऑफ ए और बी, and D O A is 5 times of A O B, find all the 4 angles D O B. See the straight line. Okay, B O C, B O C, B, your B O C is twice of A O B. C O D is 4 times of A O B, and D O A is 5 times of A O B. Find all the 4 angles. Okay, so BOC, BOC, this is angle 1, AOB, AOB, this is angle 2, COD, COD, this is angle 3, AOB, AOB to ho gaya, DOA, DO, A, this angle is angle 4. We need to find all these 4 angles. Okay, and now we have a relation with the A. So yahan pe dekh lo, we need to find all these 4 angles. So aapka angle 1 plus angle 2 is equal to 90 degree. So aapka angle 1 plus angle 2 प्लस एंगल थ्री
प्लस एंगल 4 आपका इक्वल है 180 डिग्री। सॉरी, इज दैट इक्वल टू 180 डिग्री? रानिया नो, नो, दैट शुड बी इक्वल टू 360. या 360 डिग्री। ओके, इन्होंने हमें रिलेशन भी दिए हैं कि आपका बी ओ सी विच इज एंगल 1, दैट इज इक्वल टू ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2। ओके, आपका एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2, तो यहाँ पे आप पुट कर लो, सो आपके पास आ जाएगा एंगल 1 इज 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो योर 2 प्लस 1, तो 3 एंगल 2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो योर एंगल 2 विल बी इक्वल टू 30, एंगल 2 विल बी इक्वल टू 30। ये आपके पास 30 आ गया, एक आपका फाइंड हो गया। अच्छा, अब एंगल 1 क्या हो जाएगा? योर एंगल 1 दैट शुड बी इक्वल टू 90 माइनस एंगल 2, एंगल 1 विल बी इक्वल टू 90 माइनस एंगल 2 विच इज इक्वल टू 30। सो योर एंगल 1 विल बी इक्वल टू 60। वन भी फाइंड हो गया, दैट इज इक्वल टू 60। अच्छा, अब एंगल 3 और 4 को फाइंड करना है, बट वी हैव टू अदर रिलेशंस, सी ओ डी। सी ओ डी इट मीन दिस इज एंगल 3, दैट इज इक्वल टू ए ओ बी, ए ओ बी एंगल 2। लाइक एंगल 3 इज 4 टाइम्स एंगल 2, एंगल 3 इज 4 टाइम्स एंगल 2। एंगल 2 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 30। So your angle 3 will be equal to 120. So angle 3 भी आपका 120 आ गया। एक और रिलेशन है डी ओ ए, डी ओ ए विच इज एंगल 4, दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए ओ बी, ए ओ बी इज एंगल 2। सो योर एंगल 4 विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स एंगल 2। सो योर एंगल 4 विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स एंगल 2, एंगल 2 आपके किसके इक्वल है? दैट इज 30। विल बी इक्वल टू 150। नाउ इफ यू वॉन्ट टू चेक दैट आइदर योर ऑल दीज एंगल्स आर करेक्ट और रॉन्ग, सो वट यू विल डू, यू विल नीड टू एड ऑल दीज एंगल्स। सो इसको एड कर लो, सो यू विल गेट 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 1, 2, 3, तो 360 डिग्री आ रहा है। इफ़ यू एड ऑल दीज 4 एंगल्स यू आर गेटिंग 360 डिग्री, एंड दैट इज राइट। गॉट इट? Yes, but I don't understand how you found angle 2. Angle 2, okay. Actually, you understand this relation? Yes. Okay, so यहाँ पे देख लो, so हमारे पास this angle BOC, BOC is twice of AOB, AOB is angle 2, BOC is angle 1. So your angle 1 is 2 times of the angle 2. So yahan pe instead of this angle, angle 1, I wrote that it will be equal to 2 times of angle 2. 2 times of angle 2 plus aa jayega, and this angle 2 will come over here. That will be equal to 90 degree. Okay. So this is 2 times angle 2. This is 1 times angle 2. So 2 plus 1 will be equal to 3 times angle 2. इसकी जगह आप थीटा भी लिख सकते हो। लाइक ये एंगल्स अगर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आप यू विल यू कैन राइट इट
theta 2, theta 1. This will be theta 2. This will be theta 1, theta 2. This will be theta 1 plus theta 2. This will be theta 2. This will be 3 times theta 2. So your theta 2 will be equal to 30 degree. So this will be theta 2, theta 1. Okay. मैंने इस symbol से represent किए. You can use any symbol. Okay. Okay. Yeah. So, अब हमारे पास question 11 will also be your homework. Okay. आज homework आपको ज़्यादा मिल रहा है रानी है. आप सोच रही होगी कि आपके result भी अच्छा आ रहा है और आज सर मुझे ज़्यादा homework दे रहे हैं. नहीं कुछ नहीं होता. So actually this exercise is a bit थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी. So that's why मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपका रिजल्ट आप टॉप कर लो. सो फॉर दैट यू विल नीड लॉट ऑफ हार्ड वर्किंग ताकि आई वांट टू क्लियर ईच एंड एवरी कंसेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. सो दैट्स व्हाई ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा. ओके 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 क्वेश्चन नंबर 12 को कर लेते हैं उसके बाद क्लास को वाइंड अप कर लेते हैं. नो फ्यू क्वेश्चन रह गए इनको कर लेते हैं बस उसके बाद ये चैप्टर ये नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट कल के क्लास से स्टार्ट लेंगे. अच्छा ये भी इजी है. गिवन दैट ए ओ बी एंड सी ओ डी आर स्ट्रेट लाइंस ए ओ बी एंड सी ओ डी आर स्ट्रेट लाइन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पे देख लो तो आपने वर्टिकल ऑपोजिट वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे यूज करना है और यहाँ पे आपने 360 डिग्री या 180 डिग्री का कंसेप्ट भी आपने यहाँ पे यूज करना है. तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल यहाँ पे देख लो इसमें. अच्छा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल को आपने किस तरह फाइंड करना है वो लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था. लाइक इफ यू वांट टू चेक दैट वर्टिकल ऑपोजिट इफ यू वांट टू फाइंड द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ऑफ दिस एंगल सो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ऑफ दिस एंगल विल बी इक्वल टू इस एंगल का ये एक कॉर्नर कहाँ पे टच हो रहा है इस लाइन के साथ टच हो रहा है यहाँ पे. अच्छा इस एंगल को चेक कर लो तो इसी लाइन पे आपके ये एंगल यहाँ पे कॉर्नर टच हो रहा है. इस एंगल का दूसरा कॉर्नर इज टचिंग दिस लाइन ए बी एंड दिस एंगल दिस कॉर्नर इज ऑल्सो टचिंग दिस लाइन सेम लाइन ए बी. सो दैट्स वाई दीज टू एंगल्स आर द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स and if the two angles are vertically opposite to each other then that angle will be equal to each other. So this angle your 2b plus 13 angle will be equal to 103. Okay because these two angles are the vertical opposite angles. So yahan se aap b find kar lo you will get b. acha b ko find karne ke baad aap is tarah kar lo ki 180 wala concept use kar lo is line ko le lo. So your 7a प्लस 2b प्लस 13 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दिस इज द स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पे आपके पास b एंगल आ जाएगा. ओके सो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड द a वैल्यू. ओके विच इज अननोन b की जगह आपने ये वैल्यू पुट करना है. ओके इजी है. इसी तरह ये पार्ट भी आप फिर प्रैक्टिस कर लो इस पर. ओके पार्ट b एंड c इसको आपने प्रैक्टिस करनी है. ओके इफ यू हैव टाइम देन सॉल्व दिस कवर आल्सो यू विल आल्सो कवर दिस पार्ट दिस टू पार्ट्स. अगर टाइम नहीं है तो फिर हम इसको कल क्लास में भी सॉल्व कर लेंगे. ओके ऑप्शनल होमवर्क है दिस इज दिस टू पार्ट्स. अच्छा पार्ट डी को कर लेते हैं. सो पार्ट डी में क्या है पार्ट डी इज दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स. ओके पार्ट डी
अच्छा दिस इज 104, सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नीड टू फाइंड द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ऑफ दिस 104. सो 104 एंगल विल बी वर्टिकली ऑपोजिट टू, ये कॉर्नर सी डी लाइन को टच कर रहा है और यहाँ पे आपका ये एंगल बन जाएगा विच इज आल्सो टचिंग दिस, इसका दूसरा यहाँ पे टच हो रहा है और यहाँ पे ये कोई लाइन नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी हमने इसको वर्टिकल ऑपोजिट एंगल नहीं लेना क्योंकि ये कॉर्नर आगे नहीं जा रहा, सो इसका कोई एडवांटेज नहीं होगा हमारे पास. अच्छा ओके दिस इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो गिवन टू मी, दिस इज जे एंगल, दिस इज 32, दिस इज 104, दिस इज 2i, दिस इज h, दिस इज 90. सो सारे एंगल्स को ले लो, दैट्स विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. 104 प्लस 2i प्लस h प्लस 90 प्लस 24 प्लस j प्लस 32. ओके इनको सॉल्व कर लेते हैं तो इससे हमारे पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन जाएगा. 360 माइनस 104 माइनस 90 माइनस 24 माइनस 32, सो 110 आगे आ जाएगा आपके पास. 110 विल बी इक्वल टू 2i प्लस h प्लस j, सो दिस विल बी माई सिंप्लीफाइड इक्वेशन. अच्छा अब यहाँ पे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल को दोबारा चेक कर लेते हैं, j के लिए चेक कर लेते हैं कि j का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन सा आएगा. ये साइड j एंगल का लेफ्ट साइड सी डी लाइन को टच कर रहे हैं और सी डी लाइन को एक दूसरा एंगल ये 2i टच कर रहे हैं. यहाँ पे देख लो तो जे का दूसरा कॉर्नर, जे एंगल का दूसरा कॉर्नर ए बी लाइन को टच कर रहा है और यहाँ पे भी ए बी लाइन को इस 2i का एंगल ए बी लाइन को टच कर रहा है. सो दीज टू एंगल्स आर द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, सो योर जे एंगल विल बी इक्वल टू 2i हो जाएगा. ओके अच्छा और चेक कर लेते हैं. ओके सो यहाँ पे देख लो, इसको देख लेते हैं. माई दिस एंगल दिस इज 180 डिग्री, सो यहाँ पे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, 2i आ रहा है प्लस h आ रहा है प्लस 90 आ रहा है प्लस 24, दैट्स इक्वल टू 180 डिग्री. सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो सो यू विल गेट द i वैल्यू. I एंड h रिलेशन आपके पास आ जाएगा, 2i प्लस h विल बी इक्वल टू 180 माइनस 24 माइनस 90, सो दैट्स विल बी इक्वल टू 66. सो योर 2i वैल्यू विल बी इक्वल टू 66 माइनस h, सो इट मींस दैट योर 2i वैल्यू विल बी इक्वल टू 66 माइनस h. नाउ वी विल नीड टू फाइंड द अननोन by putting these values. Okay, yahan pe dekh lo, so 110 is equal to 2i, instead of this h I will put this value, like my 110 will be equal to 2i plus, instead of h you will put 2i minus 66, yeah 66 minus 2i, h will come over here. So this will be actually this the relation is 2i is equal to 66 minus h. So h ko is side pe le aao. So this will become plus h. So your plus h will be equal to 66. Isko us side pe le jao. This will become minus 2i. H will be equal to 66 minus 2i. So instead of this h, I will write 66 minus 2i. Okay. Now, instead of this j, I will write your j is equal to 2i. So 2i yahan pe aa jayega. Okay, these 2i will cancel out by this 2i. So solve this, 110 minus 66
44 आ जाएगा, 44 विल बी इक्वल टू 2i, सो योर i विल बी इक्वल टू 22 आ जाएगा. ओके, नाउ योर i इज इक्वल टू 22, सो योर j विल बी इक्वल टू, एस वी नो दैट j इज इक्वल टू 2i है, सो योर j एंगल विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 22, सो योर j एंगल विल बी इक्वल टू 44. Now we have another relation, that is your h is equal to 66 minus 2i, so your h will be equal to 66 minus 2 into i value, that is 22. So this will be equal to h value will be equal to 66 minus 44, 22 aa jayega aapke paas. So these are the unknown values of